Before we begin, we publish new videos every week, so be sure to subscribe and ring the bell to get notified about our latest video. Hey guys, welcome to the channel. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं स्पूफ की वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, वो भी बिना किसी लैग प्रॉब्लम के और बिना स्मूथली वर्क करने वाली जॉयस्टिक के साथ। तो गाइज, इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज। अगर आपके पास गाइज 6 और 7 का एंड्रॉइड वर्जन है तो ये ट्रिक आपके बहुत स्मूथली वर्क करेगी और आप इजीली स्पूफ कर सकेंगे अपने मोबाइल के अंदर गाइज। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फेक जीपीएस जॉयस्टिक का यूज़ करता हुआ, तो वही मैं बताऊंगा मैंने ये कैसे यूज़ की है। तो गाइज, सिंपली फर्स्टली आपको जाना अपने प्ले स्टोर पर और गाइज सिंपली सर्च कर लेना फेक जीपीएस जॉयस्टिक गाइज। और गाइज, आप सभी को पता है कि इसका यूज़ हम वीमोस में भी करते थे और आपको पता है ये बहुत अच्छी और बहुत स्मूथ वर्क भी करती है। तो गाइज, इस वीडियो में इसी का यूज़ करेंगे और गाइज मैं आगे और प्रोसेस है वो भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे वो सब। तो वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना गाइज। मुझे ऐसे बहुत से मैसेजेस आते थे कि भाई ये मेरे FGL Pro है वो लैग कर जाता है, बहुत बार जॉयस्टिक नहीं आती है। लेकिन गाइज, आप सभी को पता है ये बहुत ट्रस्टेबल जॉयस्टिक है और आप सभी को पता है इसका यूज़ हम पहले करते ही थे, तो इसमें भी अब आप यूज़ कर सकेंगे वो भी बिना किसी लैग प्रॉब्लम के, बिना किसी फेल टू डिटेक्ट के। तो गाइज, वीडियो पूरी देख लेना। तो गाइज, सिंपली हो चुकी हमारी डाउनलोड। तो अब आपको गाइज आ जाना है बैक, अभी और कुछ नहीं करना है। तो अब हमने जो डाउनलोड की है तो उसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे और गाइज सिंपली कुछ परमिशन करेगा तो वो हमें कर लेनी है गाइज, यहाँ पर एक्सेप्ट गाइज। और गाइज, यहाँ की जो अभी मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ वो प्लीज़ ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही अलग प्रोसेस है। एंड फ्रेंड्स, ऊपर ऑप्शन मिल रहा होगा लर्न हाउ टू अनलॉक फीचर्स का, तो आपको वहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। एंड गाइज, सिंपली ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको, तो सिंपली जाना है अनलॉक फीचर्स पे और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं V7 AAPK, तो आपको गाइज वही डाउनलोड करनी है सेकेंड वाली, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपके V8 A आ रहा हो तो आप वो कर लेना। तो सिंपली मेरे V7 A आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करके डाउनलोड पर डाल देता हूँ गाइज इसे। और गाइज, सिंपली आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। तो देख सकते हैं ये हो चुकी है डाउनलोड, तो अब आपको यहाँ पर कर लेना है इसे इंस्टॉल फ्रेंड्स। गाइज, ये अलग है थोड़ा मेथड, तो ध्यान से देखना। एंड फ्रेंड्स, जो हमने इंस्टॉल किया था अभी उसको अब आपको कर लेना है ऑन गाइज। और गाइज, सिंपली फर्स्ट जो ऑप्शन मिल रहा है आपको प्राइवेसी मोड, वहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है और जनरेट कर देना है गाइज। आप सिंपली अपनी जॉयस्टिक का कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर वीबैक फैमिली दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपकी जो भी इच्छा हो आप वो दे देना फ्रेंड्स। आपको कुछ प्रोसेस सेम लग रही होगी गाइज वीमोस में जब हम हैक करते थे, लेकिन गाइज यहाँ पर कुछ और भी चेंजेस हैं, कुछ और सेटिंग्स करनी पड़ती हैं गाइज जनरेट के बाद। तो गाइज, सिंपली जो अब हम जनरेट है उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद आगे की और सेटिंग्स है फ्रेंड्स वो ध्यान से देखना। और साथ ही साथ गाइज, जो मुझे मैसेजेस आते थे कि लैग हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यूनिक मेथड है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, अब हमारी वो हो चुकी थी पूरी जनरेट, तो अब हमारी जो पुरानी वाली GPS जॉयस्टिक थी जो हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड की वो आपको कर देनी है फ्रेंड्स अनइंस्टॉल। और जो नई वाली हमारी #VBackFamily थी उसको आपको अब रखना है गाइज। एंड फ्रेंड्स, आई अगेन रिपीट, प्लीज पूरी प्रोसेस ध्यान से देखना, स्किप मत करना फ्रेंड्स प्लीज। एंड गाइज, अब आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे और सिंपली जाना है आपको सेटिंग के अंदर डू नॉट ऑटो अपडेट आपको अलाउ कर देना, वो ऑन कर देना फ्रेंड्स। ध्यान रखना, ऑटो अपडेट नहीं करना है, डू नॉट ऑटो अपडेट करना है। एंड सिंपली अभी आपको सर्च भी कर लेनी है FGL Pro और उसको डाउनलोड कर लेना, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है। और गाइज, इसका यूज़ बिल्कुल थोड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो वो आप ध्यान से देख लेना, बाकी हम इससे स्पूफ नहीं करेंगे। एंड गाइज, सिंपली ये हमने ऑन कर दी, तो हम सिंपली यहाँ पर मॉक लोकेशन जो भी हमसे ये मांगेगा तो वो अभी हमें FGL Pro को प्रोवाइड करवा देनी है। एंड गाइज, सिंपली कंटिन्यू ऑप्शन पर हमें कर देना है क्लिक। गाइज, सिंपली अब आप देख सकते हैं डाउनग्रेड हमारा अभी आ रहा है, यानी मोबाइल में अभी कुछ हमें प्रोसेस करनी है। एंड गाइज, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल का 6 वर्जन एंड V7A और स्क्रीन आप देख सकते हैं DPI थी मेरी 480। गाइज, सिंपली मैंने जूम इन करा था, तो आप ध्यान रखना आपकी जो भी हो
वो आप ध्यान से रखना। अगर आपके एंड्रॉइड वर्जन 7 है तो आपको 6 प्लस डाउनलोड करनी पड़ेगी, और अगर आपके 6 है तो सिंपली यहाँ पर 6 अवेलेबल होता है तो आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। फ्रेंड्स, मैंने सिंपली वही डाउनलोड किए जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, 6 एंड्रॉइड वर्जन 480 DPI प्लस V7 है। अगर आपके V8 है तो आपको वो डाउनलोड करनी है, 320 है। अगर आपके कोई अलग है तो वो आपको सिंपली डाउनलोड कर लेनी है, लेकिन 6 और 7 में ही गाइज ये वर्क करता है, वो ध्यान रखना। तो गाइज डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद अब आपको आ जाना है बैक। उसको कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल पर डालना ही नहीं है, डाउनलोड करके आना है बैक और सिंपली सेटिंग में जाना है फ्रेंड्स, और सर्च कर लेना डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर्स। फ्रेंड्स, नहीं तो आप सिक्योरिटी के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने सिंपली डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर सर्च किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। उसके अंदर जाके फाइंड माई डिवाइस को फर्स्टली आपको डीएक्टिवेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना, डीएक्टिवेट करना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपको जाना है आपके एप्लीकेशन मैनेजर में, नहीं तो ऐप्स में। अगर आपके मोबाइल में ऐप्स शो कर रहा हो तो आपको ऐप्स में जाना है, और हमारी जो गूगल प्ले सर्विस है पुरानी वाली फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके अनइंस्टॉल अपडेट करने हैं फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्लीज़ आप भूलना मत, क्योंकि आपको पहले जो आपने डाउनलोड की थी FGL Pro के थ्रू, वो आपको इंस्टॉल पे नहीं डालनी है, आना है फर्स्टली आपको सेटिंग में गाइज, उसे डाउनलोड करके। तो आपको फाइंड माई डिवाइस डीएक्टिवेट करना है, प्लस गाइज आपको आपकी जो पुरानी गूगल प्ले सर्विस है वो आप उसके अनइंस्टॉल अपडेट करने हैं। उसके बाद आपको आना है फाइल मैनेजर में फ्रेंड्स, और सिंपली आपकी जो डाउनलोड की थी गूगल प्ले सर्विस, वो अब आपको करनी है इंस्टॉल। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपने पहले उसे इंस्टॉल पर डाल दिया बिना डीएक्टिवेट किए और बिना अनइंस्टॉल अपडेट किए, तो वो करप्ट बताता है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके आए तो प्लीज़ उसे डीएक्टिवेट करना, उसके बाद आपको कर देना मोबाइल को रीस्टार्ट वो इंस्टॉल होने के बाद। तो फ्रेंड्स, रीस्टार्ट होने के बाद मोबाइल आपको सिंपली फिर से ऑन करना है FGL Pro, और आप देख सकते हैं अब हमारा डाउनग्रेड नहीं मांगा। इसका मतलब है हमने पूरी प्रोसेस सही तरीके से कर ली है, और आपके नहीं मांग रहा है तो आपने सही कर लिया है। अगर आपके मांग रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है, तो फिर से फॉलो करना। एंड गाइस, उसके बाद आप FGL Pro को रखना चाहें, आपकी मर्जी, हटा दें तो ये बेटर होगा आपके लिए। एंड देन गाइस, अब मेन प्रोसेस हमारी आ जाती है, हमारी GPS जॉयस्टिक जो हमने बनाई थी खुद। अब गाइस आपको जाना है सेटिंग में, मैं यहाँ पर जूम करके बता देता हूँ आपको, ये इनेबल सस्पेंडेड मॉक किंग, ये आपको ऑन कर देना है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना आपको, आपको सिंपली जो ऊपर के दो ऑप्शन हैं डिस्प्ले और इनेबल वाला, वो आपको सिंपली ऑन कर देना है। और गाइस, उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके इसे सेलेक्ट कर लेना मॉक लोकेशन के हिसाब से, और उसके बाद अब प्रोसेस सब कुछ हो चुकी है फ्रेंड्स। आप एक भी स्टेप मिस मत करना अभी तक की, तो आपके इजिली हैक हो जाएगा अगर आपके पास एंड्रॉयड 6 और 7 है, और ये फ्रेंड्स लैग भी नहीं करेगा कुछ भी। एंड फ्रेंड्स, मैंने सिंपली सर्च कर लिया है टोक्यो, तो अब मैं वहीं जाता हूँ, और कुछ एक आध और परमिशन मांगेगा तो आप सिंपली अलाउ कर देना या फिर उसे प्रोवाइड करवा देना। एंड फ्रेंड्स, ये जितनी भी प्रोसेस है उसके बाद आपको कंप्लीट करने के बाद अब आपको कर देना पोकेमॉन गो ऑन गाइज। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं मुझे कि आपने फेक बताया भाई, आपने जो ये खेल रहे थे उस समय आपने कोई दूसरी रिकॉर्डिंग बता दी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं यहाँ पर आगे आपको लाइव भी बता दूंगा खेलते हुए कि बिल्कुल रियल है, मैंने कोई दूसरी नहीं यूज़ कर ली है रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, एक बार ये हो जाए प्रोसेस, उसके बाद मैं आगे आपको लाइव भी बता देता हूँ फ्रेंड्स। एंड गाइज, आप देख सकते हैं जो ये हमारी जॉयस्टिक है वो बिल्कुल यूनिक लग रही है, क्योंकि FGL Pro में थोड़ी गाइज लैग भी करती है, लेकिन ये वाली गाइज लैग नहीं करेगी अगर आप। और फ्रेंड्स, एक और बात, मोबाइल खेलने से पहले आप एक बार रिस्टार्ट कर लेना सभी गेम को, अगर आप जब भी स्पूफ कर रहे हो, ताकि आपके लैग अगर होता भी हो कुछ प्रॉब्लम, तो वो अगर आपके सिंपली सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सभी कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है, और साथ ही साथ मैंने आपको लाइव अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने कुछ भी फेक नहीं बनाया, सब लाइव है फ्रेंड्स, कोई भी दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये वर्क करेगी आपके, और साथ ही साथ लैग की जो प्रॉब्लम है वो भी आपके सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, बताना ज़रूर कमेंट में, और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके इस वीडियो के थ्रू तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना फ्रेंड्स।